नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। बलिया से सहायक ब्यूरो चीफ सदानंद शर्मा की खास रिपोर्ट। रसड़ा रामलीला मैदान में ग्रामीण चौकीदारों की एक आवश्यक बैठक अशोक कुमार राम की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आए हुए समस्त चौकीदारों ने नाथ बाबा रोशन शाह का जयकारा लगाते हुए अपनी अपनी समस्याओं को बारी बारी से व्यक्त किया। चौकीदारों की समस्या को राष्ट्रीय प्रभारी शारदानंद पासवान ने बड़ी गहनता से सुना और आश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपदवार वर्दी टार्च साइकिल का वितरण किया जा रहा है। वह 2024 के आगामी चुनाव से पहले अच्छा वेतन देने जा रही है। अब ग्राम प्रहरी अच्छा वेतन पाकर संतुष्ट होंगे, वह ड्यूटी पंचायत भवन पर ही करेंगे। इस बैठक में अशोक कुमार, शीत बसंत निषाद, दिनेश यादव, विजय प्रताप यादव, गिरजा राजभर, सर्वजीत यादव, हरि पासवान, मुसाफिर, जीवित भोला जितेंद्र यादव, चंदन, वीरेंद्र, सुरेंद्र, रविशंकर, राम केवल, मोहम्मद वकील, भोला, श्रीकांत आदि लोग उपस्थित रहे। 2024 के चुनाव से पहले देने जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न जनपदों में वर्दी टार्च साइकिल वितरण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और यह रोशन साना जी का धरती है, बिरगू बाबा की धरती है। आप सभी लोगों को यह सभी सामान जो है समय से मिलेगा। चौकीदारों ने श्रीनाथ बाबा रोशन शाह बाबा का जयकारा मनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वस्थ और सद्बुद्धि जो है देने के लिए इन्होंने बाबा से जो है अनुरोध विनय किया है कि जिस तरह से आपने अयोध्या में जो है श्री राम जन्म भूमि सद्भावना दिवस जो है मनाते हुए पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है दीपक जलाने का काम जो है आपने किया है, तो इस पूरे उत्तर प्रदेश के चौकीदारों को जो है एक खुशहाली जो है लाने का काम करें, जिससे जो है इनका परिवार जो है अपना जो है खुशहाली जीवन जो है बिताते रहें और आपको जो है यह गुणगान करते रहें। यह समय बहुत अच्छा सुनहला समय है। आप जो है चौकीदारों को जो है जीवन की खुशहाली के लिए आप जो है अच्छा वेतन दे करके इनको जो है धन्यवाद के रूप दीजिए। जय हिंद, जय भारत। शारदानंद पासवान, प्रदेश प्रभारी, बलिया।